this is what something different. कराची और इस्लामाबाद को बहुत डिफरेंस है. कराची इज लव. I'm a co-founder of this brand, Oceanic Crew Services. We started off this service in 2017, and how we started this service, हम लोग बाहर से आए थे and we thought कि पाकिस्तान especially कराची के अंदर हमें as such entertainment नहीं मिलती. आपके पास entertainments में सिर्फ malls हैं, eatery है, shopping है. एंड स्पेशली बच्चों के लिए ऐसा कराची में तो बहुत मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे बच्चों के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. हमारे पास एक तो पब्लिक के लिए पैकेजेस हैं जो हमारे 10 कैन पैकेजेस हैं जो हमने स्टार्ट किए थे 2017 में, जिसमें मतलब कि मिक्स फैमिलीज आपके पास आ जाती हैं, उनको पूल इन करके भी टेक देम ऑन अ टूर. तो वो हमारा वीकेंड ब्रीज पैकेज है. वो 2 PM टिल 6 PM होता है. मॉर्निंग सबसे बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है 10 टिल 1. उसमें 3 to 4 hours की डीप सी क्रूज राइड है, साइट सींग है, फोटोग्राफी है, लाइव फिशिंग एक्सपीरियंस है, लाइव सी फूड है, प्लस उसमें फिशिंग एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए. 4 hours की राइड होती है उसमें, मतलब यू कैन हैव अ गुड टाइम. फोटोग्राफी उसके लिए इंक्लूडेड है. प्राइवेटली भी आप बुक कर सकते हैं फॉर योर एनिवर्सरीज, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनीथिंग. कॉर्पोरेट हमारे पास माशाल्लाह में सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कॉर्पोरेट से मिला है फ्रॉम MNCs. तो हमारी पार्टनरशिप्स अभी डेवलप हो रही हैं विद डिफरेंट बैंक्स एंड सर्विसेज को फर्दर इसमें एनहांस कर. वी मेड अ प्लान फैमिली ट्रिप एंड देन वी सेड के व्हाई डोंट वी सर्च फ्रॉम फेसबुक और गो लाइक बाहर से कहीं से पता करें कि बोट ट्रिप हो, कोई अच्छी ट्रिप हो ना, समथिंग आउटस्टैंडिंग, समथिंग लाइक विच इज़ नॉट नॉर्मली वी गो टू क्लिफ्टन और वहाँ जाते हैं हम लोग, लेकिन ये ट्रिप अच्छी रही हमारे ना. तो फिर वी सेड के चलो ठीक है ओशनिक वील ट्राई. ओशनिक हमने फ़ोन वगैरह किया तो दे इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट टू रीच हियर ना. उसके बाद उन्होंने हमें ख़ुद गाइड करके लेकर आए. उसके बाद इट्स अ वेरी नाइस ट्रिप. आई लाइक इट. ये रैंडमली प्लान हुआ था वैसे तो कराची में आके, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है. एंड इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी और पीसफुल है काफ़ी. एंड इधर बहुत ही मतलब के जो है ना चीज़ें काफ़ी, ये जो है ये जो मतलब जो इनका स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पिंग है एंड एवरीथिंग इज़ गुड. तो पहले हम मरीना बोट की तरफ गए थे तो वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वी कुडंट गॉट दैट. तो फिर हम जो है केमारी की तरफ आए. फिर हमें ये किसी ने इस तरफ ओशनिक क्रूज़ का बताया तो फिर हमने जब इनसे बात की तो फिर इन्होंने हमें वीडियोज़ वगैरह दिखाई और हमने फिर खुद रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमने फिर इसे बुक किया. तो फिर इसके बाद कुछ कुछ टाइम में मतलब एक हफ्ते में ही उन्होंने सारी गाइडलाइंस बताई किस तरह आना है, कब पहुंचना है, उनके वैले सर्विस होगी और सारी चीज़ें. तो फिर इट वाज अ नाइस जर्नी ओवरऑल. पहले सर्विसेज थी यहाँ पे बट दैट वो उस स्टैंडर्ड की नहीं थी, मतलब छोटी बोट्स थी, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं थी, वॉशरूम्स नहीं थे, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता था. तो हमने जो पैकेज अपने प्रोडक्ट्स अपने इस तरह की बनाई है फॉर किड्स, किड्स को हम प्रमोट करते हैं, बच्चे फ्री होते हैं हमारे पास 6 years below. फैमिलीज हमारी ज़्यादातर टारगेट ऑडियंसेस होती हैं, मदर्स ज़्यादा हम उनको टारगेट करते हैं कि वो आएँ हमारे पास क्योंकि वही एक डिसीजन मेकर्स होती हैं, इवन द मेल्स ऑल्सो. सो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स बना इसके अंदर. डीप सी राइड्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं तो जो इसमें जो मेमोरी बिल्डिंग है वो ये कि बच्चों को आप जब लेकर आते हैं और फिशिंग पे लेकर जाते हैं बोट में तो उनके लिए बड़ा एक वाव फैक्टर होता है. फिर इसमें हमारे पास फोटोग्राफ्स होती हैं कि हम उनकी पिक्चर्स टेकअप करते हैं. लाइव सी फूड होता है, लाइव बारबेक्यू उसके अंदर है और डिफरेंट इसके अंदर शॉर्ट रूट्स हैं, लॉन्ग रूट्स हैं. माउंटेन पे जाते रहते हैं, पार्क में, शॉपिंग मॉल्स में, बट दिस इज़ व्हाट समथिंग डिफरेंट. ओके, ये एक डिफरेंट हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा है जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं. फिशिंग का हमें, लाइव फिशिंग का हमें मिला, हमने देखा ये चीज़.
और फर्स्टली तो हम जब हमने प्लान किया तब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे इस चीज़ का, हम आते रहते थे साहिल पे, सी व्यू पे, बट मुझे शिप का इस तरह से आइडिया नहीं था. सी के अंदर जाके जैसे अभी ओशियाने का हमने ट्रिप प्लान किया था, तो बिल्कुल ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग सीन्स हैं, बहुत अमेजिंग. तो वैसे मुझे एक साल हो गया कराची में आए हुए, तो एक मैं बात ये करना चाहूँगा कि एक साल पहले हम जब कराची के बारे में सुनते थे, बेसिकली पंजाब से हूँ मैं, तो आपको पता है कि किस तरह का मीडिया हमें दिखाता है कि इस तरह के सीन्स. तो आफ्टर स्पेंडिंग वन ईयर हियर आई कैन सिंपली से दैट कराची इज़ लव. कराची और इस्लामाबाद तो बहुत डिफरेंस है बेसिकली, और वहाँ पे इस तरह का तो कोई स्पॉट नहीं है और ना इस तरह की कोई मतलब है प्लेस. लेकिन ये कि बाकी जगह बहुत हैं, जैसे मोनाल वगैरह हो गए या जैसे कि मोनोमेंट्स वगैरह हो गए, काफ़ी जगह हैं. लेकिन इस्लामाबाद और कराची के वैसे कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ फिर भी शायद ना बने, क्योंकि हाँ कराची से अगर समंदर को हटा भी दें तो फिर भी कंपैरिजन नहीं बनता यार. कराची बहुत एक लेवल है. मेन्यू जो होता है, जिसमें हमारे स्केड्यूल ट्रिप्स में तो स्टैंडर्ड मेन्यू होता है, उसमें लाइव फ्राइड फिश होती है, उसमें लाइव बारबेक्यू होता है, पास्ता, टी मिनरल वाटर, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं. बट अगर कोई प्राइवेटली बुक करता है तो उसमें हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं. अगर कोई अपना भी फूड लेके आना चाहता है तो वो हमने अलाउ किया हुआ है, दे कैन ब्रिंग ऑलवेज देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ, और अगर वो हमसे कहते हैं तो फिर वो कस्टमाइज पैकेज उनका बन जाता है. फिर उसमें ट्रिप्स डिज़ाइन हो जाते हैं, 3 to 4 hours की ट्रिप करना चाह रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप्स करना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम we make package for that. हमने ओशियानिक सेलेक्ट किया, ये 4000 पर पर्सन था, तो मेरे ख्याल में निकाल लेना चाहिए, थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए. आपको एक दो महीने के बाद इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो. काम का बर्डन होता है, ज़ाहिर बात है, आप कोई भी काम कर लो, कोई बिजनेस है, जॉब है, जो भी एक बर्डन होता है, तो यहाँ पे आके बिल्कुल आप रिलैक्स फील कर सकते हो. मेरे ख्याल में आना चाहिए, एक दो महीने के बाद आप कर लो. टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इससे पहले मैंने सोचा था कि मुझे जब टीचर्स ने कहा कि भाई तुम DHA के उसमें जाओ, क्रूज़ में जाओ, उसमें आपको फैसिलिटी भी होगी और कंसेशन भी मिलेगा, तो बिफोर 2 days आई वॉज डिसाइड कि नहीं मैं उसी में चली जाऊंगी. बट आई केम टू नो अबाउट क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, हर कोई उस इतना एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल वो. तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो इन्होंने चार्जेस लिए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ गुड फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग. ओशियानिक क्रूज़ एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड करती है, स्पेशली फैमिलीज, बच्चे, फ्रेंड्स, जो भी अपनी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, टू एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग. आप एक खुली फिज़ा में, स्पेशली मैं कहूँगी कोविड के अंदर तो इट्स सबसे सेफ, क्योंकि आप एक वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर हैं और आपको ज़रूर उसका एक्सपीरियंस करना चाहिए. As we say, we make moments memorable.